देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बहुत आसान है, लेकिन देखो 2011, 15 और 19 में पूछा जा चुका है आपको। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मूल प्रभाज के बारे में बताया गया था, ठीक है, तो मूल प्रभाज वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, तो देखो देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो पहले हमें दे रखा है जल कितना है, 72 ग्राम है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जल का अणुभार पता होना चाहिए। इसका अणुभार आपको पता होगा, जल का अणुभार कितना होता है निकालना भी आपको बताया जा चुका है कि देखो हाइड्रोजन को होता है 1, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन को होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 16 + 2 हो जाएगा 18, तो जल का अणुभार आया 18। अब हमें निकालना है जल के मोलों की संख्या, तो H2O के मोल निकालने हैं, ठीक है। तो H2O के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, मतलब मोलों की संख्या सूत्र क्या होता है, ग्राम भार बटा अणुभार, तो ग्राम भार कितना है 72 बटा अणुभार कितना 18, तो ये निकल आए हैं जल के मोल। अभी मोल प्रभाज नहीं निकला है, मोल निकले, ठीक है। तो जल के मोल क्या आ गए, ग्राम भार बटा अणुभार 72 बटे 18। आप देखो हमें क्या निकालना है, उसी प्रकार जैसे जल का लिखा उसी प्रकार, अब कौन है एथिल अल्कोहल है, तो 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, C2H5OH कितना है 92 ग्राम है। अब इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं, इसका अणुभार कितना निकालेंगे, देखो कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है अभी भी बताएगा, तो 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर हाइड्रोजन तो प्लस 1, ठीक है। तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा, इधर 24 + 5 प्लस 16 + 1 तो कितना हो जाएगा 24 × 5 = 29 = 31 = 40 = 46, ठीक है। तो 29 = 31 = 40 = 46। अब एथिल अल्कोहल के मूल निकाल लो, तो एथिल अल्कोहल के मूल क्या होगा, ग्राम भार बटा अणुभार 92 बटा 46। देखो जिस प्रकार इसमें निकाला गया था इसके इसका भार बटा अणुभार, उसी प्रकार इसका भार बटा अणुभार, इसका भार 92 बटा 46, ठीक है, 46 अणुभार आया। तो देखो कितना आसान है कि अभी हमें हमने निकाला क्या, इसके मोल एथिल अल्कोहल के मोल आ चुके हैं, ठीक है। अब मोल प्रभाज हम निकालेंगे, कोई दिक्कत बहुत आसान है यार। देखो अब देखो मोल प्रभाज हम कैसे निकालते हैं, देखो अब हमें निकालना है H2O का मोल प्रभाज, तो H2O का मोल प्रभाज निकालना है, H2O का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो H2O का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, H2O के मोल, H2O के मोल बटा विलयन के कुल मोल क्या होगा, सूत्र H2O के मोल बटा विलयन के कुल मोल। आपको पहले ही बता जा चुका है जब किसी अवयव का मोल निकाला जाता है या मोल प्रभाज निकाला जाता है, तो उस अवयव के मोल बटा विलयन के कुल मोल, ठीक है, कुल मोल। तो H2O के मोल आपने कितने निकाले हैं, H2O के मोल निकले थे 72 बटे 18 और उसका 92 बटे 46, तो H2O के कितने निकल चुके हैं 72 बटे 18। और विलयन के कुल मोलों की बात की गई, तो विलयन में कौन कौन है, जल है और आपका कौन है एथिल अल्कोहल, तो 72 बटे 18 बटे 92 बटे 46, ठीक है। तो 72 बटे 18 हो जाएगा बटे 92 बटे 46। देखो H2O के मोल हो गया 72 बटे 18 और कुल मोलों की बात की गई, तो 72 बटे 18 + 92 बटे 46 उसका भी हो गया। अब इसको जब आप हल करोगे तो आपका क्या निकलेगा, H2O का मोल प्रभाज या मोलस, ठीक है, तो H2O का मोल प्रभाज निकलेगा। अब हम देखो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें केवल भिन्न करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे H2O का मोल प्रभाज निकालोगे। अगर आपको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है, एथिल अल्कोहल का तो मोल प्रभाज निकालना, तो क्या करोगे, एथिल अल्कोहल के मोल बटे विलयन के कुल मोल, क्या सूत्र लगाओगे, एथिल अल्कोहल के मोल बटे विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल के मोल हो जाएगा बटा विलयन के कुल मोल, तो एथिल अल्कोहल के मोल कितने, 92 बटा 46 अपॉन 72 बटे 18, विलयन के कुल मोल क्या हो जाएगा, यही होगा 72 बटे 18 + 92 बटे 46। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इससे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकलेगा। और इसकी एक और विधि कि मतलब जब एक का आप निकाल लो, तो आपको बताया जा चुका है जब एक का निकला है तो उसको क्या करो, एक से घटा दो। देखो जैसे इसका मोल प्रभाज निकलता, देखो क्या होता है, जैसे इसको मान लो x1, इसका मान लो x2, तो इसमें क्या होता है, x1 + x2 = होता है 1। तो जब आप x1 का निकाल लोगे तो x1 का मान यहाँ पे रख देना, x2 है ही है तो 1 से, देखो x2 = क्या होगा, 1 - x1, तो x1 जब निकला है तो इसमें मान रख देना, तो इससे भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये है मोल प्रभाज निकालने की ट्रिक, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन 2013, 15, 19 में पूछा जा चुका है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।